बजे आधा दर्जन बदमाशों ने शराब आरोपी से 7,30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़े रखा और वही दूसरा बदमाश पास में ही छुपकर खड़ा था। दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण फौजदार धौलपुर शहर के जाने माने शराब का आरोपी लाल बाजार में उनका बियर बार है, जहां से रात करीब 11 बजे वे कैश लेकर घर जा रहे थे। वही रास्ते में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हेलो ऐसा हो, ये कोई बैठे ना, सब नॉले ही भाई सर। भैया ये गाड़ी भी तो खड़ी हुई है किसी की, भाई उन्हीं लोगों की है, उन्हीं लोगों की। इसको भी तो आप पुलिस में भिजवाओ। अभी थोड़ी देर पहले जो है, मैं अपनी ऑफिस से जो है घर जा रहा था कैश लेकर के। आज क्या हमारे वो एक्साइज के फॉर्म डालने की लास्ट डेट थी, तो हमारे पास कैश था डीडी बनवाने के लिए। डेट बढ़ गई तो हमने कहा चलो कल बनवा लेंगे, तो मैं वो कैश लेकर जा रहा। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो चार पांच लोग खड़े आपस में बात कर रहे थे। तो बात करते करते क्या हुआ कि उन्होंने एकदम मेरे हाथ में करी, क्या ये हमारा, दूसरे यहाँ हमारा मेरे, और वो थैली लेकर के एकदम वो लोग भागे। तो एक आदमी जो है मैंने जबरदस्ती ऐसे करके पकड़ लिया, वो लटक गया मेरे ऐसे इससे। फिर हमारे उसमें खूब गुत्थम गुत्था हुई, फिर मैंने जो है उसको काबू कर लिया। फिर कोतवाल साहब को फोन किया, तुरंत जो है पुलिस आ गई और उसको एक आदमी को तो ले गई साहब। वो दो आदमी, हाँ हाँ, एक उसके साथ दूसरा।